एवरीवन, मैं आरची तुहाडा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते स्वागत करती हाँ। हाँ जी बच्चों, जिवें कि तुहानू पता ही है पीएसएट दा एग्जाम अपन बहुत जल्दी देखने नू मिलेगा। इस नू देखदे होए अरोड़ा क्लासेस तुहाडे लई लैके आया पीएसएट दा बिल्कुल न्यू बैच, जो कि स्टार्ट होएगा 20 जून, जो स्टार्ट होने जा रहे हैं 20 जून नू। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड विच रहेगा। ऑनलाइन फीस रहेगी इसकी 3800, ऑफलाइन रहेगी 11000। प्लस तुहानू 3 डेज़ दे डेमो क्लासेस भी दित्तियां जाणगियां। अगर तुसी 3800 या 11000 नहीं पे कर सकते तां तुहानू मैं दे रही हाँ एक कूपन कोड। कूपन कोड है AC482। इसनों यूज़ करो तो डिस्काउंट पाओ। इस ना तो डिस्काउंट तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस तुसी मेरी गाइडेंस अंडर आ जाओगे। होर इनक्वायरी लिए साडे VIP नंबर पर भी तुसी कॉल कर सकते हो, 70 10 10 40 ते कॉल करो अते अपनी आज ही सीट नू बुक करो जी। हाँ जी, इस तो इलावा ETT कैडर पेपर ए जो कि तुहाडा प्रनीत सर क्लीयर कराएंगे, यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड विच रहेगा। अगर तुसी यह बाय करना है तो कूपन कोड यूज़ करना है तुसी AC482। इस से रिलेटेड भी कोई इनक्वायरी है तुहाडी तां तुसी VIP नंबर साढ़े 70 10 40 40 ते कॉल करके पूछ सकते हो जी, अपनी सीट नू बुक करवा सकते हो। हाँ जी, इस तो इलावा देखो फाउंडेशन बैच भी साढ़ा स्टार्ट हो जा रहा है 17 जून नू। यह भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड विच रहेगा। कूपन कोड इस ते भी तुसी इको ही यूज़ करना है AC482। इस ते भी तुहानू डिस्काउंट मिल जाएगा, इस ते भी तुसी अपनी सीट बुक करवा सकते हो। सेम नंबर ही रहेगा, 70 10 40 40 ते अपनी कॉल करो ते अपनी अज ही सीट नू बुक करवाओ जी। हाँ जी बच्चों, देखो कोई भी बैच परचेज करना है कूपन कोड तुसी यूज़ करना है AC482। केड़ा यूज़ करना है AC482। तुहानू हर एक बैच से डिस्काउंट मिल जाएगी। इस तो इलावा जिन्हें बच्चों ने हाले तक मेरा टैलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी जल्दी जाओ तो टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मेरा टैलीग्राम चैनल है मैथ्स मैजिक बाय आर्ची मैम, जिससे तुहानू सारा मैथ्स रिलेटेड सारा कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी बच्चों, इस तो इलावा देखो साढ़े को इतने गुरुकुल की भी सुविधा हैगा। जिन्हें बच्चों को लगता है ना भी घर बैठ के सर तो स्टडी नहीं होंगी, सानू वह जहाँ माहौल नहीं मिलता, तो इतने आओ, इतने आके तुसी तैयारी करो। इतने तुहानू प्रोपर स्टडी वाला माहौल भी मिलेगा, प्लस तुसी आपकी प्रोपर तैयारी भी कर सकोगे। एक ट्रैक नू गोल नू पूरा करन विच तुहाडी जरूर हैल्प होएगी। तो जल्दी जल्दी आओ गुरुकुल दे विच विजिट करो, जिसकी फीस रहेगी 4000 पर मंथ। 4000 इसकी पर मंथ होएगी फीस होएगी। तो हाँ जी, जल्दी जल्दी आओ तो अपने बैच नू परचेज करो तो अपनी तैयारी नू स्टार्ट करो। आप मिलेंगे क्लास दे विच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, किवें हो सारे? उम्मीद करती हाँ सारे बहुत वधिया होंगे जी। गुड इवनिंग सारिआं नूं, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग जी। हाँ जी बच्चों, तो अज अपना डे रहने वाला है 22। डे केड़ा होएगा अपना? 22 होएगा अज अपना डे। 21 डे अज आपने कंप्लीट हो चुकी है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हाँ सारे पहुँच गए होंगे जी क्लास दे विच। लाइक शेयर तुसी करता होएगा, नहीं किता तो जल्दी जल्दी जाओ तो अपनी क्लास नू शेयर करो, लाइक भी कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स नू बुला लो कि मैम दी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो बच्चों करिए क्लास स्टार्ट। आप उम्मीद कर दें सारे आगे होंगे। हाँ जी, तो कर दें आज दी क्लास स्टार्ट। आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते फाइंड द एंगल टैकल बाय आर्स ऑफ ए करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। की कहें सवेरे 6 बजे और दोपहर 3 बजे के विचकार सही घड़ी के घंटिया द्वारा ट्रैक किए कोणा नू लभो।
किन्ने ट्रैक किए एंगल सवेर के 6 बजे तो लैके दोपहर के 3 बजे तक, वह पूछ रही है कि आएगा 90, 180, 270 या 30। हाँ जी सब ने ट्राई करना क्वेश्चन फाइंड आउट करने का आंसर जल्दी जल्दी, 1 मिनट है तुहाडे कोल, सारे ने सोल्व करना है, पार्टीसपेट सब ने करना है, ट्राई करो सारे जाने, जिन्होंने आंदा है वैरी गुड, जिन्होंने नहीं आंदा वो भी ट्राई करनगे सारे। देखो एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम तुहाडे कोल सिर्फ 1 मिनट होएगा एक क्वेश्चन लई। बहुत वधिया, वैरी गुड वैरी गुड, तुक्का नहीं मारना किसी ने, सब ने फाइंड आउट करना है, कॉपी पेन आपके कोल रखो, सारे ट्राई करेंगे। बहुत वधिया, वैरी गुड वैरी गुड। हाँ जी तो करते हैं, देखो इन्होंने की किया सी एंगल ट्रैक किन्ने किते, किन्ने बजे तो लैके 6 बजे तो लैके दोपहर के 3 बजे तक। तो एक चीज़ समझो, पहला गल अपन सबनों पता है कि क्लोक दे विच केड़ी केड़ी सुइया होंदिया, एक होंदी आर्स वाली, एक होंदी मिनट्स वाली, एक सकिंट वाली, ठीक है। हुण देखो जे मैं आर्स वाली गल करा, आर्स की गल करा तो अपन पता है जो आर्स जे अगर पूरा 360 का एंगल किन्ने किन्ने टाइम बाद कंप्लीट करती है, 12 घंटे बाद, अपन सबनों पता है जे इतने 12 बजे है तो अगेन जो 12 बजन तो की होएगा 360 का एंगल बनेगा, राइट। सबनों क्लीयर है तो आर्स वाली सुई किन्ने घंटे बनाती है 360 का एंगल, 12 आर्स। ओके उस तो बाद देखो मिनट्स वाली, मिनट्स वाली की गल करा तो मिनट्स वाली किन्ने टाइम से बनाएगी, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद की बनाएगी 360 का एंगल बनाएगी, मतलब किन्ने मिनट्स की गल हो रही है 60 की, तो 360 का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये तो आ गया 12 घंटे 360, 60 मिनट्स के 360 का एंगल बनाएगी। हूँ जो मैं गल करा 1 घंटे तो 1 घंटे कि आएगा मेरे को 360/12 कि आ गया मेरे को 30 कि आ गया 30, मतलब 1 घंटे कि आ गया 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट। उस तो बाद अगर मैं 1 मिनट की गल करा, 1 मिनट कि बनाएगी 360/60, इसनों सोल्व किया तो कि आ गया मेरे को 6, 1 मिनट कि एंगल बनता है 6 डिग्री, ये की आ गया अपने को 1 घंटा तो 1 मिनट के एंगल, ठीक है। उस तो बाद पूछ रहे हैं कि ट्रैक किया सवेर के 6 बजे तो लैके दोपहर के 3 बजे तक। हूँ देखो 6 बजे सवेर के 6 बजे मतलब AM तो किन्ने बजे तक, 3 PM, राइट। हूँ ये आप सारा करना है कि ट्रैक का एंगल किया, हूँ आप पता है जे मैं शॉर्ट बनाना हो अपन पता है 6 तो लैके 12 PM कि एंगल किन्ने घंटे हो गए अपने को 6 घंटे, ठीक है। उस तो बाद किन्ने रह गए 3 घंटे, मतलब 6+3 किन्ने हो गए, टोटल किन्ने हो गए 9 आवर्स, 9 आवर्स कवर किए, ठीक है। अपन एंगल पूछे किन्ने ट्रैक किए तो अपन पता है 1 घंटे किन्ने एंगल बनाता है 30 का, तो 9 घंटे कि बनाएगा 9 × 30 तो कि आ गया 270 डिग्री की आ गया एंगल आ गया किन्ने विचकार सवेर के 6 बजे तो लैके दोपहर के 3 बजे तक, किन्ने एंगल ट्रैक किए 270, राइट। तो ऑप्शन सी की होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सारे क्लीयर है यह क्वेश्चन, ऑप्शन सी वाले हो, वैरी गुड। जिहड़े बच्चों नूं नहीं आंदा सी उन्हां नूं क्लीयर होया, सब नूं यह क्लीयर है। हाँ जी सब नूं क्लीयर है, वैरी गुड, बहुत वधिया जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पर, देखो नैक्सट क्वेश्चन की कहें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसैप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसीमल नंबर्स इन द मिडल स्कूल। की कहें, मिडल स्कूल के 2 दशमलव सिख्यावान के गुणा की धारणा पेश करने लिए हेठ लिखियों विचों कि रणनीति सब तो ढुकवी है, कि ढुकवी है देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन एज ए रिपीटड अडिशनल शुड बी इम्फेसाइज, या फिर मल्टीप्लीकेशन एज ए इनवर्स ऑफ डिवीजन शुड बी इम्फेसाइज, या फिर 2 एल्गोरिथम शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कंसैप्ट, या कि आएगा द प्रोसैस शुड बी विजुअलाइज रिप्रजेंटेशन। हाँ जी केड़ी स्ट्रैटेजी बेस्ट होएगी अगर आप बच्चे नूं की सिखाना है, डेसीमल नंबर सिखाने। हाँ जी की लगता है किदे विच ज़्यादा एक्टिव रहेगा बच्चा, केड़ी ऑप्शन बैटर होएगी जो बच्चे नूं आपां कंसैप्ट सिखाना होवे डेसीमल नंबर का। बहुत वधिया, वैरी गुड वैरी गुड, सारे जने पार्टिसिपेट करेंगे, सब ने आंसर करना है, बहुत वधिया। देखदी हां इस क्वेश्चन का केड़ा चैंपियन बनता है, चैंपियन भी बनोगे, टाइम मैनेज भी होएगा, सब कुछ होएगा। बहुत वधिया, वेरी गुड वेरी गुड जी, बहुत वधिया, वेल डन स्टूडेंट। हाँ जी तो देखते हैं किदे द्वारा आप डेसीमल ज़्यादा वधिया स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जिहड़े बच्चे सिखा सके डेसीमल का कॉन्सैप्ट। तो जिन्हें बच्चों ने लगाया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाले हो सारे तुसी की बन गए चैंपियन, ऑप्शन डी वाले हो
बहुत वधिया, वेरी गुड, चैंपियन बन गई। इहदे विच कादी गल होगी, विजुअलाइज रिप्रजेंटेशन, जो बच्चा की कर रहा है, देख रहे, देख के सीख रहे, ठीक है। तो जो देख के सीखेगा तो ज़्यादा बेस्ट होएगा, राइट, ज़्यादा समझ आएगा उसनू। हाँ जी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है ये उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, ऑप्शन डी वाले हो, वेरी गुड, बहुत वधिया, क्लियर है सारे, बहुत। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहने एक रेक्टेंगल विद साइड हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर कैन नॉट हैव पैरामीटर, कहते 24 सेंटीमीटर खेत्रफल वाले पासे वाले आयत दे विच घेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पूछे, ठीक है, केड़ा नहीं हो सकता, 20, 22, 25 या 28। हाँ जी, तुहाडा स्टार्ट हुंदा टाइम, जल्दी जल्दी ट्राई करना क्वेश्चन करन दा ते अपने आंसर तक पहुँचना है। सब ने कॉपी पेन नाल रखनी है, मेरी क्लास स्टार्ट हुंदे ही कॉपी पेन नाल रख लिया करो, आपकी स्पीड नू पूरा बनाना है आपां, एग्जाम दे विच यही हुंदा, टाइम नहीं मैनेज हुंदा बच्चों का, इस करके मैथ रह जाता, इतने पहुँच गए क्लास के टाइम मैनेज करवा के ही भेजूंगी। वेल डन स्टूडेंट, बहुत वधिया, जल्दी जल्दी। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं केड़ा आंसर किसका सही है, केड़ा चैंपियन बने। चलो देखो, रिकटेंगल की गल हो रही है, मतलब रिकटेंगल के एरिया या रिकटेंगल का पैरीमीटर की गल हो रही है ना, तो रिकटेंगल का एरिया की होंगे अपन सबनों पता है, रिकटेंगल का एरिया की होंगे, लेंथ लेंथ इंटू ब्रैथ, ये की होंगे अपने को एरिया। अगर मैं पैरीमीटर की गल करा तो वह की होंगे अपने को 2l + b, मतलब 2 × l लेंथ होगी प्लस ब्रैथ होगी, राइट, यही होंगे अपने को फॉर्मूला पैरीमीटर का। उस तो बाद कहते हैविंग नोट पैरीमीटर, इन्हों में केड़ा नहीं हो सकता, कैन नॉट हैविंग हैव पैरामीटर। हूँ देखो एरिया किन्ना दिता हो आप, 24 किन्ना दिता हो, 24, ठीक है, तो एल इंटू बी मैं पता नहीं, लेंथ से ब्रैथ मैं पता नहीं, पर मैं इसे फैक्टराइज तो कर सकती हूँ 24 को, कि पॉसीबिलिटीज़ है कि 24 बन जाए। हूँ आप भी पता है, अगर 1 × 24 करा तो एक मेरे को फैक्टर बन जाएगा 24 का, ठीक है। उस तो बाद अगर मैं 2 × 12 करा, ये भी मेरे को 24 बन जाएगा, राइट। उस तो बाद मैं की किता, 3 × 8 किया, ये भी मेरे को ले की बन गया, 24 बनेगा। उस तो बाद की आएगा मेरे को, 6 × 4 करदा, ये भी मेरे को ले की बनेगा, 24 बनेगा। मतलब इन्ना सारे केस दे विच की बन रहा, मेरे को ले एरिया की बन रहा रिकटेंगल का, 24 बन रहा। इस तो इलावा कोई केस नहीं हो सकता जो एरिया की बने रिकटेंगल का 24 बने। इस तो ओपोजिट भी हो सकता है, बिल्कुल, मतलब इतने 24 × 1 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, ओपोजिट केस भी हो सकता है। इतने तक सबनों क्लीयर है। हूँ देखो पैरीमीटर अपन पूछे से नहीं हो सकता। हूँ देखो अगर मैं एल की लवा 1 तो बी की लवा 24, पैरीमीटर तो इतने पुट करा, देखो 2, 1 + 24 यह वैल्यू रख सकती हूँ, तब मेरे को पैरीमीटर कितना आएगा जो इसको सोल्व करूँगी, तो 50 कितना आ गया, 50 आ गया। उस तो बाद जो मैं पैरीमीटर की पैरीमीटर एल ए बी की वैल्यू की रखा, 12 × 2 रखा, तो कितना आएगा मेरे को, 28 पैरीमीटर आएगा। उस तो बाद मैं 3 × 8 रखा, पैरीमीटर च वैल्यू रखा लेंथ से ब्रेथ की, 3 × 8, तो 3 × 8 रखी तो किन्ना आ गया मेरे को, ये किन्ना बन गया, ये किन्ना बन गया मेरे को, 22। उस तो बाद मैं किन्ना रखूँगी, 6 × 4 रखा तो मेरे को किन्ना आएगा, यह 20 की आएगा, 20। हुण ये की आ गए जिहड़े मेरे को पैरीमीटर आ सकते हैं जो मेरे को वैल्यूज की होनगियाँ, एल लेंथ इंटू ब्रैथ की होगी, इन्हों विचों होगी, राइट। हूँ अपन तो पूछा सी नहीं हो सकता, देखो आंसर दे विच मेरे को 20 पे है ये ऑप्शन, बट मेरे को 20 आ रहे हैं पैरीमीटर, 22 हैगा, 22 भी पैरीमीटर आ रहे हैं, अगे 25 अपने को इतने हैगा कितने, नहीं हैगा, 28 भी हैगा अपने को, पर 25 अपने को पैरीमीटर नहीं आ रहा, तो इट मीनस केड़ा आंसर होएगा, ऑप्शन सी, इन्होंने यही पूछा सी कैन नॉट हैव पैरामीटर, तो केड़ा नहीं हो सकता, 25 वाला केस नहीं हो सकता जो एरिया की हो 24 हो, सबनों क्लीयर है, ऑप्शन सी वाले हो, वेरी गुड, जिन्हों का ऑप्शन सी आया सी बहुत वधिया, वेरी गुड, सबनों यह क्वेश्चन क्लीयर होया, बहुत वेरी गुड,
मैं पता है तुम सारे चैंपियन हो, जो सीख गया क्वेश्चन इतने कुछ लैके गया लर्न करके गया वो भी सारे चैंपियन हो तुम। बहुत वधिया। हाँ जी तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, कहते विच टू नंबर्स वैन मल्टीप्लाई गिव द प्रोडक्ट 24। दिस क्वेश्चन इज की कह रहे, कहते कोई नंबर आप मल्टीप्लाई किया तो कि बन गया 24 बन गया। तो दसो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है? इट इज ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन एज इट हैज डिफाइंड नंबर ऑफ आंसर्स, या फिर सुजेस्ट जनरल प्रॉब्लम्स सोल्विंग स्ट्रैटेजी टू द चाइल्ड सो ही कैन आंसर द करेक्टली। उस तो बाद हेल्प द चाइल्ड टू थिंक मेटाकोग्निटिवली, या फिर इट एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एज इट हैज मोर दैन वन आंसर्स। हाँ जी की लगता है जो आप टू नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वह कि बन जाता 24 बन जाता है, तो यह कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो वह दसो किस टाइप का क्वेश्चन है। हुने मैं पिछे करवाया जो पैरीमीटर से आप केस कर चुके हैं, 24 के बहुत फैक्टर होंगे, तो मैं तुम्हें हिंट देता बहुत व्डा, उम्मीद करती हूँ हूँ तो क्वेश्चन सही होएगा। एक किस टाइप का क्वेश्चन है? बहुत वधिया, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत वधिया, सब ने आंसर करना है जी, बहुत वधिया, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट। उम्मीद है मैनू यह क्वेश्चन सब का सही होएगा। बहुत हाँ जी, तो जिन्ना बच्चों ने लगाया ऑप्शन सी, की लगाया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले तुम की बन गए ए फॉर एलियन, की बन गए ए फॉर एलियन, सी वाले सारे एलियन हो तुम, आएगा कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी वाले, वेरी गुड। ए नहीं सी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सी फॉर एलियन लिखा सी मैं, डी आएगा बिल्कुल सही। हाँ जी डी क्यों आएगा, देखो टू नंबर्स ने, नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, अपन मैनशन नहीं किए, ठीक है 24 के फैक्टर एक नालों ज़्यादा होंगे, ये भी अपन सबनों पता है, जो एक नाल ज़्यादा आंसर आन लग जाए तो वह कौन होंगे अपने को ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, सबनों पता है, जिदे वन या टू तो टू वाले आंसर होने होंगे अपने क्लोज एंडड, जिदे ज़्यादा मल्टीपल आंसरस होने होंगे ओपन एंडड। क्लीयर है सबनों? हाँ जी डी वाले सारे चैंपियन हो तुम, बहुत वधिया। हाँ जी अज का नैक्सट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द नैक्सट नंबर बाय ऑबजर्विंग द डिजिट इन ईच नंबर। हूँ एक आ गया सीरीज चो आ गया क्वेश्चन, हूँ देखो अपने एक सीरीज देती अपन पूछ रहे तो इतने के नंबर आएगा, ठीक है इस तो नैक्सट कि होएगा, इन्होंने कि नंबर हो सकता है। हाँ जी सारे देखो इस सीरीज़ में तो अपना आंसर लगा की कोशिश करो, सब को एक मिनट है, सब ने आंसर करना है, सब ने ट्राई करना है क्वेश्चन एक मिनट के अंदर अंदर कर। बहुत वधिया, वेरी गुड खिंच दो काम बस, आज बन जाओ चैंपियन सारे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत वधिया स्टूडेंट, वेल डन स्टूडेंट। हाँ जी तो समझते हैं, देखो देखो अपने को सीरीज़ है, पहली गल तो सीरीज़ बारे कंसैप्ट समझो, देखो जो भी एग्जाम के सीरीज़ आदि है ना तो अपने को सीरीज़ की होंगी 4 या 5 टाइप्स की होंगे, मोस्टली कि होंगे या तो उन्हें प्लस या माइनस का डिफरेंस होएगा, मतलब प्लस दी प्लस कर रहे होंगे या फिर माइनस तो होएगा, ठीक है केस, या फिर की होएगा डिवाइड ते मल्टीप्लाई वाला केस होएगा, या की होएगा क्यूब वाला केस होएगा, या की होएगा स्केयर वाला केस होएगा। इस तो इलावा की हो सकता है, क्यूब के नाल तुहानू की दे सकते हैं प्लस माइनस दे सकते हैं, या स्केयर के नाल की दे सकते हैं प्लस माइनस दे सकते हैं, ये होंगे अपने को सीरीज़ के केस, मोस्टली यही होंगे अपने को जो एग्जामिनर पूछता है, सबनों क्लीयर है। हुण देखते हैं इहदे केड़ा केस है, किस तरह यह क्वेश्चन पाया, किस तरह यह सीरीज चल रही है। देखो जो मल्टीप्लाई का आंदा है ना तो मल्टीप्लाई का अलग ही पता लग जाता है, अपन बहुत व्डे डिजिट देखने को मिलते हैं, एक तो बाद एक जो दूसरा सैकेंड डिजिट हों या टर्म होंगी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी है, ठीक है वो अलग ही पता लग जाएगा तो कि मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है जो प्लस माइनस का होंगे वो अपन थोड़ा देखना पैंता कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो भी पता लग जाता बच्चों वैसे तो। चलो देखते हैं ये हूँ, ये देखो मैं माइनस की जो 910 चो 821 अगर सबट्रैक्ट करूँगी तो किन्ना आएगा, जो इसमें मैं सबट्रैक्ट किया तो किन्ना आ गया मेरे को 89, किन्ना आ गया 89। अगेन मैं किया 821 732 चो
सबट्रैक्ट किया तो अगेन मेरे को बनेगा 89 बनेगा। अगेन फिर मैं 732 कि सबट्रैक्ट किया 643 चो कि आएगा मेरे को 89। तो मतलब ये इंटरवल कि गैप आ रहा है 89 का, तो इतने के नंबर होएगा जो इन्हें की गैप होएगा 89 का होएगा, यह जहाँ कोई नंबर होएगा इतने जिद की होएगा डिफरेंस की आना चाहिए अपने को 89 आना चाहिए राइट। हूँ ऑप्शन देखो ऑप्शन के होएगा नंबर जिद 89 बन जाए, तो फस्ट ऑप्शन ही देखते हैं। फस्ट ऑप्शन जो मैं की सिक्स फोर थ्री सबट्रैक्ट किया 554 चो तो यह कि बनेगा देखो ये मेरे को बन गया, ये की बन गया मेरे को 89 बन गया 89। तो मतलब इतने के नंबर आएगा मेरे को 554 की आएगा 554। ऑप्शन ए तो ही अपन आंसर मिल गया, तो ऑप्शन ए की हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया सी वेरी गुड, सारे चैंपियन ऑप्शन ए वाले हो, बहुत वधिया, वेल डन स्टूडेंट, बहुत वधिया। जिन्होंने ए लगाया सी कंग्रेचुलेशन, तुसी चैंपियन बन चुके हो, बहुत वधिया बहुत वधिया जी, वेरी गुड। हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते अकॉर्डिंग टू वैन हैले लैवल्स ऑफ ज्योमैट्री थोट द 5 लैवल्स ऑफ ज्योमैट्री अंडरस्टैंडिंग। हूँ देखो ये क्वेश्चन कितों आया वैन हैले चो, वैन हैले की मैं बार बार कहनी हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्यूरी है जो स्पैशली मैथ्स पैडागोजी आती है पेपर के, तो हर एक कोई भी एग्जाम हो टीचिंग एग्जाम अगर तुम मैथ पैडागोजी पढ़ रहे हो तो उनके क्वेश्चन एक या दो वैन हैले की थ्यूरी चो मिलेगा ही मिलेगा। स्पैशली अगर सीटेट की गल करा सीटेट का एग्जाम आ गया तो वैन हैले मोस्ट इंपोर्टेंट कंसैप्ट अपना, तो अपना जरूर ध्यान करके जाना थ्यूरी। मैं यूट्यूब पर भी करवा रखी है, जो बच्चे मेरे को पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन उन्होंने भी पता होगा, मैं क्लास के भी करवा रखी है, जिन्हें नहीं हुई उन्होंने मैं करवावगी। हाँ जी तो देखते हैं, कहते स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर आस्क टू क्लासीफाई द कोआर्डिनेटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपर्टीज, दीज स्टूडेंट्स आर एट डैश लैवल ऑफ वैन हैले ज्योमैट्री। हूँ की कह रहे हैं, कहते जो 7th क्लास का बच्चा है वह की कर रहा है कोआर्डिनेटर सीख रहा है किद्वारा कंपेयर कर रहा है प्रोपर्टीज़ द्वारा, किस किस चीज़ न समझ रहे हैं प्रोपर्टीज़ द्वारा अंडरसटैंड कर रहे हैं प्रोपर्टीज़, तो यह वैन हैले का कड़ा लैवल है किड़े लैवल की गल कर रहे हैं। हाँ जी विजुलाइजेशन एनालिसिस इनफॉर्मल डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन। हाँ जी प्रोपर्टीज़ की गल कि होंगी है सबनों पता है, सारे आंसर करेंगे जिन्होंने वैन हैले का कंसैप्ट क्लीयर है, उम्मीद करनी है सारे का आंसर सही होएगा। अगर नहीं क्लीयर तो तुम मेरी यूट्यूब की क्लास देख सकते हो, क्लास के जो मेरे तो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उन्होंने करवाया हो जब मैं करवावगी तो बहुत अच्छे वे नाल मैं तुम्हें करवाया हुआ डिटेल दे विच पढ़ाया हुआ है, उम्मीद करनी है सब का आंसर सही होएगा। बहुत वधिया वेरी गुड बहुत वधिया वेल डन स्टूडेंट बहुत वधिया। हाँ जी तो जिन्हें बच्चों ने लगाया ऑप्शन बी, जिन्होंने लगाया ऑप्शन बी वेरी गुड बहुत वधिया ऑप्शन बी वाले हो वेरी गुड चैंपियन बन गए सारे तुसी बहुत वधिया वेरी गुड। मैं बार बार कह रही हूँ वैन हैले का टॉपिक अच्छ वधिया तरीके अपना प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम के हर बार एग्जाम के पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यह वैन हैले की थ्यूरी है जो ज्योमैट्रिकल थिंकिंग से वैन हैले ने दी सी। हाँ जी क्लीयर है सारे नू? चलो नैक्सट देखते हैं। कहते द मीन ऑफ द मार्क ओबटेन्ड बाय ए चाइल्ड 5 सबजैक्ट इज 74 की दिता हो अपने को मीन दिता हो दिता हो मीन दिता हो कि 5 सबजैक्ट्स का कि 74 द स्केयर 70, 75, 80 मार्क्स इन 3 सबजैक्ट्स, 3 सबजैक्ट्स के अपन मार्क्स दिते हुए हैं। वट इज़ द मीन ऑफ द मार्क्स ऑबटेन्ड बाय द चाइल्ड इन रिमेनिंग 2 सबजैक्ट्स। कहते जे रिमेनिंग 2 सबजैक्ट्स ने उन्हें मार्क्स दसो किन्ने आए तो उन्हों का मीन फाइंड आउट करो। हाँ जी की हो सकता है मीन दसो स्टेटमेंट तुम्हें मैं समझाती है सारे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे की आएगा ऑप्शन सब ने ट्राई करना है क्वेश्चन सबको एक मिनट है टाइम इस तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना ही एग्जाम च मिले ना ही मैं देवा बहुत वधिया वेरी गुड खिंच दो काम बस मैथ नहीं रहना चाहिए थोड़ा एग्जाम दे विच टाइम मैनेजमेंट करके तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए आंदा हुंदा मैं मनती हूँ बहुत बच्चों आंदा हुंदा पर टाइम मैनेज करके वो छड़ के आ जाते हैं।
वेरी गुड बच्चों, बहुत वधिया, वेरी गुड, बहुत वधिया। हाँ जी, तो करते हैं आप क्वेश्चन, देखते हैं किड़े बच्चे ने आंसर तक पहुँचे तो किड़ा चैंपियन बनिया। चलो देखो, आप मीन दिता हुआ कि दिता हुआ, मीन मीन आप दिता हुआ 74, राइट। ये दिता हुआ कि 5 सबजैक्ट्स का। हूँ मीन की होंगे, अपने सब ने पढ़िया हुआ, मीन की होंगे अपने को होंगे सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स इन अपॉन्च की होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यही फॉर्मूला होंगे मीनस। ठीक है, हूँ देखो मीन कि दिता हुआ अपने को, मीन कि दिता हुआ 74। ठीक है, तो न सम अपन पता नहीं, आप फाइंड आउट करना सम, तो अपन नंबर ऑफ टर्म्स किन्ने दिते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स किन्ने दिते हुए, फाइव सब्जेक्ट्स किन्ने दिते हुए, फाइव दिते हुए। ठीक है, तो सम कि आ जाएगा अपने को, सम कि आ गया जो मैं इन सोल्व करांगी 370। सम टोटल कि आ गया 370, एक किन्ना की आ गया 5 सब्जेक्ट्स का टोटल अपने को मार्क्स आ गए, जिहड़े बच्चे ने प्राप्त किए हैं 5 सब्जेक्ट्स के विचों, ये टोटल मार्क्स आ गए, राइट। तो आपने की फाइंड आउट करना है रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स के, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स के अपन पता नहीं, बट अपन 3 सब्जेक्ट से पता है, 3 सब्जेक्ट्स के किन्ने अपने को मार्क्स किन्ने 3 सब्जेक्ट्स के, 70 75 80, यही 3 सब्जेक्ट्स से अपने को मार्क्स है। इसनों टोटल करांगे तो किन्ना आएगा मेरे को, ये किन्ना आ गया 225, राइट। हुण ये की आ गया मेरे को 3 सब्जेक्ट्स के, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेरे को किन्ने आ गए 225। टोटल सम कि 5 सब्जेक्ट्स का 370। आप कढ़ना खेल से रिमेनिंग जो 2 रह गए, हूँ रिमेनिंग 2 जो सब्जेक्ट रह गए उन्होंने किमें फाइंड आउट करा, 370 टोटल से उनके की माइनस कर देंगे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स किन्ने 225। इसमें जो सबट्रैक्ट किया तो कि आएगा मेरे को 5 आ गया, इधर 4 आ गया, तो इधर 1 आ गया, कि आ गया 145, कि आ गया 145 आ गया, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए अपने को। बट अपन की किया, हजे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, कि किया रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स का की करना, आप फाइंड की करना मीन करना, मीन फाइंड आउट करना आपने, तो मीन किमें निकलेगा अगेन 145, मीन की होंगे नंबर ऑफ सम, सम ऑफ टर्म्स से नंबर ऑफ नीचे की आंदा टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, रिमेनिंग सब्जेक्ट कितनी है अपने को 2, तो नीचे आ गया 2। जो इसनों सोल्व करांगे तो कितना आएगा मेरे को, जो इसनों सोल्व किया तो मेरे को आएगा, डिवाइड करूँगी 72.5, कि आएगा 72.5। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन केड़ा आ गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ जी, क्लीयर है सबनों, जिन्हें बच्चों का ऑप्शन बी आया सी, बहुत वधिया, कंग्रेचुलेशनस अगेन, तुसी चैंपियन बन चुके हो, तुहानू क्लीयर होया, जिहड़े बच्चों का रोंग हो गया उन्होंने समझ आई। मेन जरूरी है कि तुहानू कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए, इत्थे तुसी सीख के जाना क्लास के विचों, एक क्वेश्चन समझ आया सारे बच्चों। हाँ जी, क्लीयर है, अगर कोई भी डाउट आता है इन यूट्यूब की क्लास में, कोई भी डाउट आता है तो तुम मेरे तो टैलीग्राम से पूछ सकते हो। जो बच्चे मेरे को क्लास के पढ़ते हो, मैं क्लास के भी कह सकते हो कि मैम साडा यूट्यूब से क्लास गलत हो गया सी, क्वेश्चन सानू समझा दो, तो मैं उत्थे भी जरूर समझावांगी। हाँ जी, सबनों क्लीयर है, बहुत वधिया, वैल डन स्टूडेंट, बहुत वधिया। हाँ जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते विच ऑब्जेक्टिव अचीव ए टीचर इन क्लासरूम टीचिंग। हूँ कहते क्लासरूम में पढ़ाने में एक अध्यापक किहड़ा उद्देश्य प्राप्त करता है, कोगनेटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ऑल दिस। हाँ जी, सारे आंसर करेंगे, मैं उम्मीद है यह क्वेश्चन कितों आया सबनों पता होएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्यूरी है अपनी, वो यह क्वेश्चन आया सबनों पता कितों आया, सब ने की हुई है, मैं भी क्लास के करा रखी है, नहीं करवाई तो जरूर करावगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत वधिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, सारे चैंपियन हो इस क्वेश्चन के, बहुत वधिया, बहुत वधिया, वेरी गुड, शाबाश चैंपियंस, बहुत वधिया। हाँ जी, बिल्कुल सही, तो जिन्हें बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया वेरी गुड, ऑप्शन डी वाले हो बहुत वधिया, सारे चैंपियन हो। हुण ये क्वेश्चन कितों आया सी, कितों आया सी, हाँ जी बिल्कुल सही, तो कितों आया सी, यह ब्लूम टैक्सनोमी चो, कितों आया सी, कितों आया सी, ब्लूम टैक्सनोमी, ब्लूम टैक्सनोमी की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथ के कंसैप्ट लैके भी, ये होर मैं पैडागोजी की गल करा तो हर सब्जेक्ट पूछी जाती है, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत वधिया।
हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 5 टाइम देन द क्वेश्चन एंड द 4 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड की होएगा। हाँ जी, की होएगा, की आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 80, 85, 75 या 104। सारे आंसर करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबने ट्राई करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, खिंच दो, एक मिनट के अंदर अंदर सब का आंसर आना चाहिए, ट्राई सबने करना है। जिन्होंने लग रहा जो एक मिनट च नहीं हो रहा, जरूर होएगा, बट पार्टिसिपेट करना है, हार नहीं मननी किसी ने भी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी। हाँ जी, तो करते हैं, देखो एक ये क्वेश्चन है, बेसिकली डिवीजन सम की गल कर रहे हैं, डिवाइजर की, रिमाइंडर की, तो क्वेश्चन की। हूँ अपने को पता है, अपने एक कंसैप्ट होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, वो की होंगे अपने को, जो डिविडेंड होंगे वो किदे इक्वल होंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये कंसैप्ट सब ने पढ़िया होएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिविडेंड किदे इक्वल होंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट, यही होंगे। हूँ देखो क्वेश्चन दे विच की पूछे, क्वेश्चन पूछे कि जो डिवीजर है की है, 5 टाइम्स है, क्वेश्चन नालों 5 टाइम्स आ गया, जो टाइम्स की गल होंगी उदो की होंगे मल्टीप्लाई, याद रखना जो टाइम्स की गल हो मल्टीप्लाई होंगे, तो या यही की होएगा अपने को, डिवीजर की है 5 टाइम्स है कि क्वेश्चन का, यही क्या है फर्स्ट इक्वेशन मैं मान ली, ठीक है। उस तो बाद कहें 4 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब डिवीजर की है 4 टाइम्स है कि रिमाइंडर नालों, तो यह की बन गई सैकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। उस तो बाद कहते रिमाइंडर की है 5, तो रिमाइंडर कितना दिता है अपन 5 है, ये की चीज़ अपन गिवन है, ठीक है, ये चीज़ अपन गिवन। हूँ देखो ये अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू पुट करा सैकेंड वाली च, तो मेरे को डिवाइजर आ जाएगा, तो डिवाइजर कितना आ गया मेरे को 5 रखा, तो कितना आ गया 20, रिमाइंडर कितना रखा 5 इंटू 4 किया तो 20 आ गया, ठीक। उस तो बाद अगर मैं यही डिवीजर की वैल्यू कि रखदा फस्ट वाले कि रखती, मैं फस्ट वाले रखदा तो कि आएगा देखो 5, तो क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी मेरे को, डिवीजर किन्ना 20, 5 इंटू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किन्ना आ जाएगा मेरे को, क्वेश्चन किन्ना आएगा 4, किन्ना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर की हो गया कट गया, किन्ना आ गया 4, तो क्वेश्चन किन्ना आ गया मेरे को 4, क्वेश्चन आ गया 4, डिवीजर की आ गया मेरे को 20, तो रिमाइंडर अपन गिवन है 5, तो हूँ ये आप पुट कर देंगे जो अपने को रिजल्ट होंगे, तो ये पुट करो, डिविडेंड किन्ना होएगा मेरे को, डिवीजर किन्ना आ गया 20 इंटू क्वेश्चन किन्ना, क्वेश्चन किन्ना अपने को 4 प्लस रिमाइंडर किन्ना 5, राइट। हूँ इन सोल्व करा तो किन्ना आ गया 80 प्लस 5 इज इक्वल टू किन्ना आ गया 85, किन्ना आ गया मेरे को 85, तो यही पूछा से डिविडेंड किन्ना आ गया 85, तो आंसर की होएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाले हो, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो तुसी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे चैंपियन बन चुके हो, क्लीयर है यह क्वेश्चन सबनों, सबनों समझ आया, जिन्हें बच्चों का सही सी वेरी गुड जी, जिन्हें गलत होया उन्होंने समझ आया यह दसो, क्लीयर होया कंसैप्ट सारे, किस तरह आप पहुँचे, ये रिजल्ट के वैल्यूज़ रखनिया सी, बेसिकली आप सारे दी वैल्यूज़ फाइंड आउट कीतियां और इन्हें रखती हैं, रिमाइंडर अपन गिवन सी, अपने क्वेश्चन ते डिवीजर फाइंड आउट कर लिया, बहुत वधिया वेरी गुड। हाँ जी, तो नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहिंदे विच मैथड ऑफ टीचिंग मैथमैटिक इज एक्टिविटी बेस्ड, किहड़ा इन्हां विचों जिहड़ा मैथड है टीचिंग मैथड है वो एक्टिविटी बेस्ड है, जिहदे विच बच्चा की एक्टिविटी लई पार्टीसपेट कर रहा, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, कुछ भी वह एक्टिविटी लई, मतलब वह आपदे एक्टिविटी दे बेस कोई सीख रहा कोई चीज़। हाँ जी, केड़े होएगी, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट या फिर एनालिटिव। हाँ जी, सारे ने आंसर करना है, बहुत वधिया, पैडागोजी के क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आंसर आने चाहिए, तो विद इन 15 सैकेंड के आना चाहिए आंसर, बहुत वधिया, वेरी गुड वेरी गुड। सारे चैंपियन हो, बहुत वधिया। हाँ जी, तो देखते हैं
देखो जिन्हें बच्चों ने लगाया ऑप्शन सी वो की बन गए तुसी सारे जाने की बन गए चैंपियन की बन गए चैंपियन बन गए वेरी गुड ऑप्शन सी वाले हो सी फॉर चैंपियन बन चुके हो तुसी हाँ जी बहुत वधिया प्रोजेक्ट मैथड दे विच बच्चा की रहिंदा एक्टिव रहिंदा बिल्कुल इंडक्टिव मैथड दा अपन सबनों पता है इंडक्टिव मैथड केड़ा हुंदा जिहड़ा की होवे एग्जाम्पल टू रूल इस दी गल करने वाला कौन सीगा बैकन किसने गल की इस मैथड की बैकन ने डिडक्टिव मैथड का मतलब की हुंदा रूल टू एग्जाम्पल इस दी गल करने वाला कौन सी अरिस्टोटल हाँ जी एनालिटिक का मतलब की हुंदा जो आप की करते हैं ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स जो किसी भी प्रॉब्लम नू की करते हैं तोड़ देने पार्ट्स के विच ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स इन द पार्ट हाँ जी क्लियर है यह क्वेश्चन सारे नू वेरी गुड बच्चों जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया सी बहुत वधिया हाँ जी तो ये अपनी आज की क्लास उम्मीद करती हूँ सारे बहुत वधिया लगी होएगी कुछ नवा सीखने सबनों मिलिया होएगा सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे नहीं समझ आए तो जरूर दसना जी समझ आए तो भी दसना किन्ने मार्क्स बने ये सबने दसना अपना फीडबैक जरूर देंदे रहा करो हाँ जी तो आप मिलेंगे अगली क्लास के हमेशा खुश रहो अपनी पेपर की तैयारी करते रहो तो अपने एग्जाम को क्रैक करो जी थैंक यू जी थैंक यू सो मच हाँ जी उम्मीद करती हूँ तुहानू साडी क्लास बहुत वधिया लगी होएगी हाँ जी बच्चों इस तो इलावा जो भी बच्चा कोई भी बैच परचेज करना चाहता है तो साडी अरोड़ा क्लासेस की ऐप नू डाउनलोड करो इस तो बाद डाउनलोड करन तो बाद तुसी की करना है अपना कोर्स नू इत्थे सर्च बॉक्स विच मैनशन करना है जिवें साडा पी एस टैट का बैच न्यूज़ जो स्टार्ट हो जा रहा है 20 जून नू तुसी की करना है 20 जून उत्थे सर्च बॉक्स विच मैनशन करना है उस तो बाद स्क्रोल करना है दैन तुहाडे कोल पुछेगा हैव ए कूपन कोड यूज़ करना है तुसी AC482 इस नाल की होएगा तुहानू डिस्काउंट मिल जाएगी इस तो इलावा जो बच्चे आईफोन यूज़र ने उन्होंने डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो तो अपने बैच में परचेज करो इस तो इलावा अगर तुहाडी कोई भी होर इनक्वायरी है तो साडे VIP नंबर पर कॉल कर सकते हो तो अपने बैच में परचेज कर सकते हो हाँ जी तो मिलते हैं आप क्लास के थैंक यू जी थैंक यू सो मच